नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द बिजनेस इनसाइड में। तो आज की बिजनेस एंड स्टार्टअप न्यूज के बारे में बात करते हैं, तो बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं। पहली खबर के साथ स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड के लिए, बिकॉज अभी वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा वीट की शॉर्टेज हो रही है एंड इसका सारा प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर, बिकॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। बट हम या इंडिया से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम इंडिया के अंदर ही कंजम्पशन करते हैं एंड इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे लोकल प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स वाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट करने के लिए वीट का। एंड ये सारा जो वीट शॉर्टेज का जो कारण है वो है रशियन यूक्रेन वॉर, बिकॉज रशिया वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वीट का। एंड राइट नाउ रशियन यूक्रेन की वॉर की वजह से ये चीज़ बैन हो चुकी है एंड अभी रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है वीट का, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है वीट की एंड इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए अभी मना कर दिया गया है, बिकॉज हमारे लोकल प्राइसेस उससे इंक्रीज होंगे काफ़ी ज़्यादा। सो देखते हैं कि अभी ये चीज़ कितने दिन तक कंटिन्यू हो पाती है। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नया एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जितने भी हमारे जो बड़े बड़े जायंट है ई कॉमर्स के, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, इनको कम्पीट करने के लिए जो हमारे जो छोटे किराना स्टोर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफीट हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी सेल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर है। इन सबको टैकल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, उन सबके एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं जिसका नाम रहेगा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके अंदर जो कंसेप्ट जो रहेगा वो इस तरह से है कि लाइक आपका फ़ोनपे हो गया या पेटीएम हो गया, अब उसके अंदर डायरेक्टली आप जो आप चाहते हो वो सर्च कर सकते हो एंड उसके अंदर आप जो नियरेस्ट आपकी जो शॉप है उनसे आप सामान मंगा सकते हो, जिससे ये रहेगा कि इन फ्यूचर में जो डोमिनेंसी है वो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हम एक बड़े प्लेयर्स पे ही डिपेंडेंसी रहेगी हमारी, तो इससे डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, हमें भी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी एंड हमारे जो छोटे किराना स्टोर है उनको भी एम्पावरमेंट मिलेगा। तो गाइस अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है मेरे हिसाब से। हम रिकॉर्ड हाई क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, जिससे हमारा इंडिया का पैसा है वो बाहर जा रहा है एंड हमको जो इम्पोर्ट करते हैं वो डॉलर में लेते हैं एंड हमारा अभी राइट नाउ जो हमारा इंडियन करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है एज़ कम्पेयर टू डॉलर के। सो ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। एंड राइट नाउ हमारा जो रशिया के साथ जो इंपोर्ट हो रहा था क्रूड ऑयल वो 5% तक पहुंच चुका है, ये 2021 के अंदर 1% था। तो गाइज अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे इंडिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने कमेंट किया है कि वो 11,000 करोड़ का न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने वाले हैं हरियाणा के अंदर एंड उन्होंने ऑलरेडी पेपर वर्क्स कर लिए हैं, उन्होंने लैंड को भी अक्वायर कर लिया है, अलॉटमेंट कर लिया है 800 एकड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा प्लांट बनने वाला है आई थिंक एंड इससे वहाँ के जो रीजन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप भी हो जाएंगे। सो अगली बात करते हैं ज्वेलरी एंड वॉच रिटेलर कंपनी टाइटल कंपनी की, जो कि एक टाटा ग्रुप का ही पार्ट है। उनका कहना है कि उनकी जो ग्रोथ है वो 2.5 टाइम्स को से इंक्रीज करना चाहते हैं 2027 तक, जो कि एक बड़ा कमिटमेंट है एंड उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है ये। सो अब बात करते हैं एक्विजिशन पे। तो स्विगी ने बाय कर लिया है रेस्टोरेंट टेक प्लेटफॉर्म डाइन आउट। सो बेसिकली जो स्विगी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपनी जो जितने भी उनकी जो ऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा भी रहे हैं। नाउ बात करते हैं फंडिंग की। तो बायजू का प्लान चल रहा है कि वो बैंक से $1 बिलियन की फंडिंग उठाना चाहते हैं, बिकॉज वो अपनी जो ऑपरेशंस है एंड अपनी जो उनकी जो मार्केटिंग है उसको और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। सो लेट्स सी, बिकॉज बायजू बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनफैक्ट इन इंडिया ही नहीं वो वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है एंड राइट नाउ आपको पता ही होगा 2022 फीफा वर्ल्ड कप के अंदर वो टाइटल एक स्पॉन्सर है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात होती है एक इंडियन कंपनी के लिए। जैसा कि हमको पता है बायजू अपने ऑपरेशंस एंड अपनी जो रीच है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, उन्होंने अभी सिंगापुर की एजुकेशन फर्म नॉर्थ वेस्ट को भी अक्वायर कर लिया है एंड इससे क्या होगा ना कि वर्ल्ड वाइड में उनका जो जितने भी कॉम्पिटिटर है ना वो धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देंगे जो छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड सबको ही खरीद लेंगे। तो आई थिंक फिर मेन डोमिनेंस एक प्लेयर बचेगा जो कि बायजू ही रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा आई थिंक काफ़ी वैल्यूबल स्टार्टअप है इंडिया का एंड काफ़ी बड़ा अच्छी तरीके से रीच कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। सो देखते हैं कि इन फ्यूचर में किस तरह से और अच्छे से ग्रो कर पाता है
एंड हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको और कितनी अच्छी तरीके से वो इम्प्रूव कर पाते हैं। इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड स्टार्टअप न्यूज़ में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो प्लीज़ कमेंट में करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो अगली वीडियोज़ में मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।